तो व्हाट्स अप पीपल, दिस इज अर्जुन हियर एंड वंस अगेन आई विल कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी व्लॉगर। तो कैसे हो गाइस आप लोग, होप कि आप सब अच्छे हो एंड अच्छे ही रहना। ऑलराइट गाइस, आपके भाई को ना मतलब न्यू पेंच देना, क्योंकि हमने एक वाइन सीटर जो ले रखा है अभी इस बार, मतलब ऑन द गो हमें चाहिए होता है, और दो पीस हमने ले रखा है, एक ब्लैक एंड या ब्लैक ही बोलो, हल्का सा ग्रे एंड लाइक एक ऑलिव ग्रीन में। तो इट्स 5 PM एंड लाइक मौसम देखो ना गाइस, मतलब बहुत ही बढ़िया। या पाँच मिनट पहले मौसम काफ़ी मतलब खुला हुआ था यहाँ पे, एंड लाइक जैसे हम कैमरा लेके यहाँ पे आए ना, फिर से काला बादल मंडरा रहा है। लाइक यहाँ पे हमें रेनबो भी दिखाई दे रहा था कुछ देर पहले, सामने की ओर रेनबो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा था। मतलब जो टाइटल आपने देखा है ना, या उसके ऊपर ही आज हम काम करने वाले, कि अपना मडगार्ड तो भाई हमने निकाल के रखा था, तो उसी मडगार्ड को हम मॉडिफाई कर पाएंगे कि नहीं बोल के, क्योंकि दिमाग में ऐसे ही आया। निमा ने बोला मतलब भैया कुछ ऐसा आइडिया है तो करे या नहीं ना करे बोल के। उनके मडगार्ड तो हमने निकाल के देखा, तो फिर भी चलो अभी हमने तो देख लिया, मगर अपना मडगार्ड जो रेस एडिशन का है उसका अब निकाल के देखेंगे, एंड लाइक कैसा होगा क्या होगा वो ऑन द गो अभी हम आपको बताएंगे। लाइक आप में से अगर किसी के पास भी कोई आइडिया है मडगार्ड को लेकर, तो ज़रूर मुझे आप बताना कि भाई ऐसा ऐसा कर सकता है बोल के। तो चलो गाइस, नीमा यहाँ पे अभी, नीमा हाय बंदे ना, हाय गाइस बंदे ना, हाय गाइस। तो नीमा ने मुझे आइडिया दिया था कि भाई मडगार्ड को ऐसा कर सकेंगे कि नहीं बोल के, तो चलो अब ट्राई करने में क्या जाता है, क्योंकि हमने एक बड़ा सा हथियार भी यहाँ पे ले रखा है, हमने पॉकेट में रखा हुआ है, तो वो हथियार है ये। तो सबसे अहम हिस्सा होता है ये, मतलब कहीं का भी मतलब स्क्रू निकाल सकते हैं, अगर आपके स्क्रू ड्यूल है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो चलो अभी मडगार्ड जो है वो यहाँ पे, जो अपना रेस एडिशन का जो मडगार्ड है ना यहाँ पे, तो हमने ये प्लान किया है, इसका जो ये बोथ साइड का जो ये पार्ट है ना, ये वन टू साइड बाई साइड, इसको हम निकालेंगे बोल के, एंड ये निकाल के सिर्फ इसको ही अभी हमें देखना है कि ये फिट हो पाएगा कि नहीं अपने मशीन के ऊपर। सिर्फ ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है काफ़ी मिनी है, लाइक काफ़ी देखे तो हमें लग रहा है होना तो चाहिए, मगर अब एक बार ये पार्ट को निकाल के देखते, इसका स्क्रीन यहाँ पे लगा हुआ है बोथ साइड पे, तो इसको अभी हमें निकालना पड़ेगा। लाइक अपना मडगार्ड का जो हालत है ना, देखो ना गाइस, मतलब इतने दिनों तक मतलब बाहर पड़ा हुआ था, तो पूरा क्या बोलते हैं इसे, स्पाइडर का जो नेट है ना, वो अच्छा खासा यहाँ पर लगा हुआ है। तो चलो अभी काम करते हैं कि भाई ये स्क्रू को निकालना है, एंड उसके बाद इसको मतलब ओपन अप करके देखना है कि ये कैसा दिखेगा, एंड लाइक लगता है भी या नहीं अपने मशीन के ऊपर, वो भी यहाँ पे गौर फरमाना पड़ेगा। तो नीमा निकाल दें ना, लो निकाल दो, तुम्हें लगे निकाले हो ना, लो गौर था भाई। तो नीमा ने अपना तो ऑलरेडी निकाल चुका है, तो नीमा को ही हम देते हैं, क्योंकि नीमा अच्छे तरीके से काम करते हैं ये सब, एंड काफ़ी एक्टिव रहते हैं, मतलब एंटो को मॉडिफाई कैसे करे क्या ना करे काफ़ी अपडेटेड रहते हैं, या मेरे से भी ज़्यादा, क्योंकि होता है ना यार, मतलब अपना अपना, हम तो बस सिर्फ ऑफ रोड ही कहते हैं, मगर ये नीमा मतलब सिर्फ मॉडिफाई भी कहते हैं। ठीक से सुन, सो गाइस हेयर इज द मडगार्ड, जो ब्लैक वाला पोर्शन था ना जो बीच का, वो कुछ ऐसा है, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा, तो इसी को अभी ट्राई करेंगे, मतलब ऐसी लगवाना तो है नहीं अभी, फिर भी जैसे अगर एडजस्टेबल अगर रहता है, लाइक अगर देखने में कैसा दिखता है वो ऐसी हमें पता चल ही जाएगा, तो उसके बाद आगे हम काम करेंगे, अगर अच्छा लगता है तो फिर हम लगाएंगे, इफ़ नॉट ऐसे रहने देते हैं। लाइक अभी हम यहाँ पे इसी एरिया पे करेंगे टेस्ट, अपना नीमा अपना मशीन को लेते हुए आ रहा है, तो कहाँ तक आया ये बंदा, एंड लाइक देखिए ना गाइस, मतलब मॉनसून के चलते ना कुछ ऐसा बन जाता है सीढ़ी हो, तो यहाँ पे ना काफ़ी देख के चलना होता है, अगर यहाँ पे फिसला तो फिर सीधा नीचे, सीन कुछ अलग होगा। या बहुत 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 रिस्की बन जाता है ये सब पोर्शन, मतलब मॉनसून के चलते काफ़ी स्लिपरी होता है, एंड वो अपना मशीन लाते हुए के सुने को साउंड में ये भगस है और नहीं, मतलब यहाँ अगड़ी उ कड़ाने भगस हो नगर न ये छोड़ दे
अच्छा लगता है तो फिर हमें काफ़ी कुछ काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, जैसे कि इसको काटना पड़ेगा। एंड इसको काटते हुए फिर से ये जो साइड का ये साइड से भी हमें इसको निकालना पड़ेगा अच्छी तरह से काट के। तो काफ़ी कुछ काम बाकी होगा अगर हम ये लगवाते हैं तो। नीमा तुम्हें लाऊँ चुकी लगाऊँ देना, ट्राई करूँगा भाई भाई अभी तक की सर। तो गाइस मतलब ये एक्चुअली आएगा ऐसे यहाँ पे, इसको से देख रहे हो तो क्या बोलते हो मतलब ना कैमरा यहाँ देखा ना कसो कसो मन पर्यो। सो गाइस फाइनल रिजल्ट यहाँ पे कुछ कुछ इस किस्म का दिखेगा। देखिए मतलब आप लोग एक बार गौर फरमाइए, हालांकि हमने बस अपना हाथों से यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है एंड कुछ इस लेवल का दिखेगा। तो अगर हम ये भी नहीं काटते तो फिर भी सही रहेगा, सही हुन्छ होला के भन्छ, काट्नु पर्छ पर्दैन होला है, काट्यो भने दामी रहेछ त अन्त। तर काट्यो भने चाहिँ अलिकति उयो देख्छ, मतलब अझै यो जो अहिले त कभर भएको छ नि यो पोर्सन, यो खुल्छ अझै यस्तै वाङै देख्छ, त्यो देखेको छ अझै राम्रो दामी देख्छ जस्तो लाग्दछ मलाई। अन्त यसलाई यो पोर्सनलाई काट्नु पर्ने, यसलाई चाहिँ काट्नै पर्छ, यसलाई काट्यो यहाँ काट्यो यो काट्यो अन्त यतिको त अन्त दामी हो नि। अन्त यो किन किन्नु अर्को या बिना मडगार्ड का कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। एंड बताना आप कमेंट सेक्शन में कि ये अगर हम ऐसे लगवाते तो आपको मतलब अच्छा लगा या नया लगा बोल के, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आई नो कि भाई एंटॉर्क लवर ही ये देखेंगे एंड आपका ओपिनियन शेयर करना मुझे। मन लगी तो हाले मन लगी काटे छिटा चाहिँ उठ्दैन नि त, यो डल्लै देखेँ टायर देख्नु त हो खास त। अनि मेरो विचारमा चाहिँ के हो त, विङलेट पनि निकाल्यो भने चाहिँ अझै राम्रो देख्छ होला हौ यो लगायो भने चाहिँ। तर कन्फर्म हो, एकताल ट्राई गरिहेर्छु यो पनि निकालेर। सो गाइस मेरो यहाँ पे क्या कहना है, मतलब अगर हम ये लगवा भी लेते हैं ना तो सायद विङलेट को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अभी अगर ये दोनों ही यहाँ पे रहेगा तो थोड़ा सा जो इसका लुक्स है ना काफ़ी डल जैसा लग रहा है मुझे। फिर भी अभी एक बार अगर हम लगवाते तो ऑब्वियसली आपको दिखाना तो बनता ही है। तो नीमा तो कह रहा है भाई कल ही जाना पड़ेगा क्या, गैरेज में बोल रहा है। तो देखते हैं अगर नीमा भाई का अगर होता है पहले तो हम वो भी दिखाएंगे, अगर हम करते हैं तो हम वो भी दिखाएंगे, देखते हैं क्या पता दोनों एक साथ भी करेंगे। तो गाइस अभी सीन ऐसा है, अभी हम विंगलेट को फिर से निकालेंगे, ये तो है ही है, एंड उसके बाद देखेंगे कि क्या सीन है, क्योंकि यहाँ पर विंगलेट को लेकर थोड़ा सा सवाल है मेरे मन में अभी। ए यसको ग्रिपै त छैन नि त फेरि, खोलेन खोले खोले लुज हुँदैन फेरि अहिले लाउँ त। हो होइन रहेछ के टोकेहरू खोल्ने कहाँ हो ठुलो हुँदो रहेछ त्यो त है। गंदगी देखिए जनाब, सलीम साहब वहाँ पे, सलीम शेख कुछ तो कहना है क्या? देखो सलीम को भी दिखाओ एक बार अपना पुराना बंदा। अब यहाँ से विंगलेट हमने हटा लिया है एंड अभी एक बार ये ट्राई करते हैं। अझै पनि लेक नै छ यसमा। तो गाइस अभी बताना कैसा लगा आपको अभी विदाउट विंगलेट को लेकर, अगर हम यहाँ पे मडगार्ड अभी ऐसा लगाते हैं तो कैसा दिख रहा है, आपका ओपिनियन सबसे मैटर करता है। तो कुछ ऐसा है, अलग उबर देखो तो कुछ ऐसा, अंत अलग टाइम बसो तो कैसा दिख रहा है, मतलब यस्तै त हुँदैन। विंगलेट लाउँदा राम्रो देख्छ ल। अभी फिर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे विंगलेट के साथ ही शायद मडगार्ड इस डिजाइन का अच्छा लगेगा बोल के।
नीमा हमारा सहायता करता हुआ अपना विंगलेट जो निकाला था उसको यहाँ पे धो दे रहा है एंड लाइक अभी वो धो के फिर लगवाएंगे एंड लाइक मतलब एक बात तो पता चली गया कि भाई मतलब एंटार्क में ना अगर हम मडगार्ड निकालते भी विंगलेट बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अभी इसका जो शो है ना मतलब कुछ अलग सा दिख रहा है जैसे यहाँ पे विंगलेट लगता है तब कुछ अलग दिखता है एंड लाइक शायद विंगलेट के साथ मडगार्ड ये डिज़ाइन वाला लगाना ही बेहतर होगा क्योंकि ऐसे ही हम यहाँ पे लगा के टेस्ट कर रहे देख रहे तो वो जो मतलब रौनक नज़र नहीं आ रहा है ऐसे मतलब फीका फीका लग रहा है ऊपर की ओर तो लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा अभी ऑन द गो हम बताएंगे आपको कब करेंगे क्या नहीं करेंगे लाइक आप तो हो मतलब देखने के लिए क्या बोलते हो तो लगा दी मैं लगा दी सो वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल एंड लाइक गुड मॉर्निंग फ्रॉम कर्शिंग टाउन यहाँ से कर्शिंग तो दिखाई तो दे रहा है एंड लाइक ये है कर्शिंग कहाँ पे या एंड यहाँ पे ना यहाँ पे तो धूप नहीं छा रखा है इस पर ये धूप छा रखा है तो होप कि आज मौसम बढ़िया हो एंड वैसे तो यहाँ से सिनारियो मॉर्निंग व्यू कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है मेरा पीछे आप देखिए एक बार बैकग्राउंड मतलब क्लाउड्स ही क्लाउड्स बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे तो चलो अभी हम अपने यहाँ पे मशीन एंड मशीन के साथ हम अपने ड्यूटी की ओर रवाना हो रहे हैं तो गाइस मतलब अपना ओपिनियन शेयर करना अगर हम उस मडगार्ड को मॉडिफाई करके वहाँ पे अपने मशीन पर लगाते हैं तो कैसा दिखेगा बोल के एंड अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो जरूर हमारे साथ शेयर करना एंड या ओवरऑल दिस इज द मॉर्निंग व्यू फ्रॉम गिद्दे पहाड़ एंड लाइक बेसिकली हमें अभी रॉक गार्डन वाले रोड में तो विद दिस इट गाइस मैं इट स्वीट एंड सिंपल सा वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देता हूँ एंड इफ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन लाइक कर देना वीडियो को कमेंट कर देना शेयर कर देना एंड इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना टिल देन स्टे ब्लेस स्टे हेल्थी बाय एंड शायद आपका ध्यान तो मेरा बातों पे नहीं जा रहा है बस इन वादियों के बीच में जा रहा होगा कि भाई नहीं यार अच्छा से दिखा तो नहीं कह रहे हो क्या आप ओके तो चलो बाय बाय करने का टाइम आ चुका है सो मिलते हैं अगले ब्लॉग पर।